सबसे पहले तो आज 54 इयर्स हुआ उसका शुभकामनाएं। आप क्या बोलेंगे, इतना लंबा सफ़र तय करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे? थैंक यू सो मच। इतना जो हम लोगों ने 1969 में स्टार्ट किया था, द लेट विजनरी मिस्टर बी एम बिरला के हाथ से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था, तब से 53 इयर्स क्रॉस करके 54 इयर्स में हम लोग हैं। तो आज के दिन इस हॉस्पिटल एज अ ओल्डेस्ट कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, इसमें जो चाहिए टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, एवरीथिंग अवेलेबल है अदर वर्ल्ड, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे डॉक्टर, क्लिनिशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग इस हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट लिया है, मिराकल हुआ है इस हॉस्पिटल में, एंड वी विश एवरीबडी गुड हेल्थ एज वेल। एनी टाइम आप लोगों को कभी भी लगता है कि हेल्थ के कारण किसी हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर के पास जाना, मैं तो बोलूँगा नहीं, बट मैं बोल सकता हूँ हम लोग ऑलवेज 24/7 आपके साथ खड़े हैं, अगर ज़रूरत है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोग स्टे सेफ, हेल्दी, अच्छे रहे, यही मेरा प्रेयर रहेगा आप लोग सबके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना को लेकर सब जगह अलर्ट जारी कर दिया गया, तो आप लोग कितना रेडी है, कितना तैयारी चल रहा है? हम लोग तैयार पहले भी थे, हम लोगों का कोरोना का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से भी रेडी था, ओनली थिंग के वो चालू नहीं था क्योंकि कॉर्पोरेट का कोई पेशेंट कोरोना का कोई नहीं था एज सच, वही वार्ड हम लोगों ने फिर से रेडी कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग रेडी हैं, कोई भी पेशेंट आएगा तो ले सकते हैं। वी आर द बेस्ट पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर राजाधर। बहुत सारे कोरोना पेशेंट डे एंड नाइट 24/7 फॉर बोथ द वेव हम लोगों ने सर्व किया है, अभी भी हम लोग रेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेपरेट वार्ड विद ऑल द प्रोटोकॉल पॉलिसीज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट बीन फॉलोड। नए लोगो भी लॉन्च किए हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको लोगो एज सच नथिंग, हम लोगों ने कुछ नहीं कर रहे, हम लोग जस्ट 54 years dedicated to health, यही दिखा है, सिमुलाइज किया था, अदरवाइज तो वी हैव अवर ग्रुप लोगो, वही चल रहा है, वही चलता है, स्टार्ट हुआ था बिरला का भविष्य को लेके। कुछ नए इनिशिएटिव लेने वाले हैं नए साल को ध्यान में रखते? नई इनिशिएटिव हम लोगों का कुछ टेक्नोलॉजी, जो रोबोट आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, हम लोग फर्स्ट हॉस्पिटल इन ईस्टर्न इंडिया बोन बैंक स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द ऑर्थोपेडिक, एंड ये जो बोन बैंक होगा ये नॉट ओनली फॉर आवर हॉस्पिटल जो बेनिफिट देगा पेशेंट को, प्राइवेट अदर प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम लोग बेनिफिट देंगे थ्रू दिस बोन बैंक। तो गवर्नमेंट के साथ बातें चल रहा है, आई होप दैट बहुत जल्दी हम लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा। सर 54 ईयर्स हुआ है, हाँ जी, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चैलेंजेस रहा? हाँ जी, तो बहुत बहुत खुशी का टाइम है, बहुत हम लोग बहुत खुश हैं कि 54 साल हुआ है। 54 साल में से लास्ट 3 साल मेरा एसोसिएशन है विद CMRI, और मुझे लगता है कि इन लास्ट 3 सालों में हम लोगों ने बहुत बदलाव लाए हैं हम लोगों ने CMRI में टीम वर्क बढ़िया होता है, नर्सेस, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसकीपिंग, सारे लोग एक साथ काम करके अस्पताल को एक दूसरे लेवल पे ले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है अभी वो पहले की तुलना में बहुत बढ़िया हुआ है, और हम लोग मेरे ख्याल से अगर इसी तरह काम करते रहे अगले 2-3 साल में ये इंडिया का सबसे बढ़िया अस्पताल में गिना जाएगा, या वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया में गिना जाएगा। कुछ तकनीकी चीज़ें बताइए जो वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे है, जो सब जगह को तो, मात देती है। तो मैं आपको पल्मोनोलॉजी के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैं पल्मोनोलॉजी का हेड हूँ। तो हमारे यहाँ जो स्टेंट प्लेसमेंट्स होते हैं, एयरवे में स्टेंट, ये कार्डियोलॉजी वाले स्टेंट्स नहीं है, ये सांस के नली में स्टेंट्स हैं, या जो ग्लैंड्स हैं छाती के अंदर उनका सैंपलिंग है, या लंग्स के चारों तरफ जो चादर होती है प्लूरा उसमें हम लोग थोराकोस्कोपी करते हैं, या रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करके अंदर से फॉरेन बॉडी निकालते हैं। ये कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक क्लिप निकाला सांस के नली से जो बच्चे का फंस गया था। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी कमाल ही है, इसके साथ तकनीक के साथ साथ एक एडेप्ट टेक्नीशियन भी ज़रूरी है, एक डॉक्टर ज़रूरी है जो ये सारी चीज़ें कर सकता है। वो हमारे इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के लीडर हैं डॉक्टर श्याम कृष्ण, उनके एबल लीडरशिप के अंडर इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी होता है। और मेरे ख्याल से ये तो मैंने आपको पल्मोनोलॉजी की कहानी बोली, मगर ये ऑर्थोपेडिक्स में, प्लास्टिक में, ENT में, ये सारे स्पेशलिटी में आप अगर उनके डॉक्टर्स को पूछोगे आपको ये तकनीकी कमाल के बारे में ज़रूर बताएंगे। क्या सावधानी बरत सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय कुछ? तो घरेलू उपाय तो ये है सर जी कि ठंडा लगना, बहुत कोशिश करना है कि ठंडा ना लगे, सर्दी जुकाम ना हो जाए। जो हमारे मम्मी पापा हैं जिनकी उम्र बढ़ी ज़्यादा है, या जिन लोगों को कोमॉर्बिड इलनेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ है, अगर इनको हम लोग थोड़ा अलग रख सकें, सावधानी से रख सकें जिससे उनको सर्दी जुकाम ना हो,
वैक्सीनेशन के बारे में मैं कहता रहता हूँ, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन, हर्पिस जोस्टर वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन्स हैं जो कि हमारे बुजुर्ग और हमारे कोमॉर्बिड पॉपुलेशन को लेनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग करें, हम लोग बीमारी से ज़रूर दूर रह सकते हैं।